Our next step is adding manures and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures and fertilizers. Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crops after crop in the same field. The crop is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal wastes. Farmers dump plants and animals waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6. Okay. So इसका next step क्या है? Manure और fertilizers add करना. अब manure और fertilizers किसे कहते हैं? पहले ये मालूम करना चाहिए. Okay. तो जमीन में जो बीज बोते हैं उसमें से जो जड़ निकलती है झाड़ की, उस जड़ को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है. न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स. ओके. अब वो न्यूट्रिएंट्स जमीन में बेहतरीन क्वांटिटी में होना चाहिए. ठीक है. अगर जमीन में बेहतरीन क्वांटिटी में ना हो तो उस वक्त हमें बाहर से मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स को जमीन में डालना पड़ता है. इसको हम मैन्युअली कहते हैं. ठीक है. इसलिए ताकि क्रॉप के बेहतर उगाव के लिए, ताकि झाड़ के बेहतरीन परवरिश के लिए, झाड़ की सेहत के लिए हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्युअल्स छिड़कना पड़ता है. और हर किसान, आप अगर खेत में देखेंगे तो हर किसान फर्टिलाइजर्स और मैन्युअल्स छिड़कता है. ठीक है. हमें ये पता है कि झाड़ों को उनकी गिजा, उनकी न्यूट्रिएंट्स जमीन से मिलते हैं और जमीन से जो ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ये झाड़ के बड़े होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके. अब होता क्या है, एक किसान जब एक खेती कर ले, ठीक है, गेहूं की खेती हो गई, वो खेती करने के बाद उसी कुछ ही दिनों में दूसरी खेती करता है, जबकि जमीन खेती करके थकी हुई होती है. जमीन में मिनरल्स नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, खत्म हो चुके होते हैं, जमीन में ताकत खत्म हो चुकी होती है. उसके बाद फिर उसी जमीन पर अगर झाड़ों की पीक रखे तो फिर वो जमीन भी बेकार हो जाएगी और झाड़ भी बेकार हो जाएंगे. इसीलिए किसान बाहर से जमीन पर फर्टिलाइजर्स छिड़कते हैं, मैन्युअर छिड़कते हैं. इसे मैन्युअरिंग एंड फर्टिलाइजिंग कहते हैं. अब ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि पौधों को अगर उनके जितनी उन्हें भूख है अगर उतनी न्यूट्रिएंट्स उन्हें नहीं मिलेंगे तो पौधे बड़े नहीं होंगे. और अगर वो न्यूट्रिएंट्स मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि जमीन में उतने ज्यादा क्वांटिटी में होते नहीं है. तो इसलिए क्या करते हैं फार्मर्स, बाहर से फर्टिलाइजर्स छिड़कते हैं और मैन्युअर्स छिड़कते हैं. अब ये मालूम करना जरूरी है कि मैन्युअर्स आते कहां से. ठीक है. मैन्युअर्स आते कहां से हैं और जमीन में कभी भी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर की कमी कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए. उस कमी को पूरा करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए, उस कमी को स्टेबल करने के लिए
उस कमी को भरपाई करने के लिए फार्मर्स बाहर से फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स छिड़क